पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का खुलासा। संयुक्त राष्ट्र ने पेश की रिपोर्ट। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इस बात का खुलासा करते हुए अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता लगातार बिगड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने बताया है कि पाक हुकूमत तहरीक इंसाफ सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण कानून ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के लिए चरमपंथी मानसिकता वाले लोगों को अधिक मजबूत बनाया है। संयुक्त राष्ट्र आयोग की इसी माह में जारी हुई 47 पेज की रिपोर्ट में आयोग ने पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के राजनीतिकरण व शस्त्रीकरण और अहमदिया विरोधी कानूनों को लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईश निंदा कानून का उपयोग इस्लामी समूह न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने बल्कि राजनीतिक आधार हासिल करने के लिए भी लगातार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में कई तरह के उदाहरणों के जरिए बताया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों में उनके घरों को लूटना और हिंदू व कई अन्य अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आयोग की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के उस ईश निंदा कानून का विरोध किया गया है जो किसी पर भी इस्लाम का अपमान करने के आरोप में अपराधी बना देता है। इसका दुरुपयोग करके धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं और ये अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार व पीड़ा का मुख्य स्रोत बना हुआ है।